नमस्ते। आज की वीडियो में आप सभी को मलाई पास्ता बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हल्की सी भूख होती है तो हमें रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ शॉर्टकट बनाया जाए, 5 मिनट में बनने वाला कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि पेट भी भर जाए और मन भी खुश हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, मलाई पास्ता बनाएंगे, बस 5-6 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके लिए लहसुन प्याज शिमला मिर्ची अदरक और हरी मिर्ची हमने सारा सामान कट करके रख लिया है। सबसे पहले गैस जलाएंगे और आधा भगोना पानी रखेंगे गर्म करने के लिए, और गैस को हम लो टू हाई रखेंगे। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम सूजी वाले पास्ता डालेंगे। पास्ता मैदा के भी आते हैं पर मैंने सूजी वाले पास्ता लिए हैं। पास्ता के साथ ही हम टमाटर डाल देंगे जिससे कि एक साथ उबल जाएंगे और हमें आगे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। पानी इतना रखेंगे जितना कि ये अच्छे से दोनों चीज़ उबल जाए। 3-4 मिनट में ही पास्ता उबल गया और उबलने के बाद ये अच्छे से फूल गया, इनका आकार बड़ा हो गया है और साथ में टमाटर भी ये गल गए हैं। गैस बंद करके पास्ता को हम नीचे उतारेंगे और एक चलनी में इनको हम छान लेंगे और ताज़ा पानी से इनको एक बार फिर से धोएंगे। दोस्तों, मैंने इसका वीडियो नहीं दिखाया है। उबले हुए टमाटर को छील के लहसुन अदरक के साथ पीस के रख लेंगे। इनको हम हल्के नरम उबालेंगे। अब चेक कर लेंगे कि पास्ता गले हैं कि नहीं। फिर से गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, इसमें सरसों का तेल डालेंगे और जीरा डालेंगे, साथ में प्याज डालेंगे और जो कटी हुई हमारी शिमला मिर्ची थी वो भी डालेंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इनको अच्छे से कच्चे कच्चे से इनको हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, ये थोड़ा सा दरदरा पीसा है, मैं आपको इसको वीडियो में दिखा रही हूँ। फ्राई किए हुए शिमला मिर्ची और प्याज में इस पेस्ट को हम डाल देंगे। पास्ता को चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्ची डालेंगे। थोड़ी देर के लिए इनको सभी को मटकने देंगे जिससे कि इनका सारा सामान एक साथ मिल जाए। इसके बाद अब डालेंगे टमाटर सॉस जिससे कि पास्ता में मीठा मीठा स्वाद आएगा। अब पास्ता में गजब का स्वाद लाने के लिए 2 चम्मच पास्ता सॉस डालेंगे। दोस्तों, हमने बोला था ना मलाई पास्ता बनाएंगे, तो मलाई पास्ता बनाने के लिए इसमें हम घर की बनी हुई मलाई डालेंगे जो हमारे गाय के दूध से बनी हुई है। इसको अच्छे से मिलने के बाद और खदकाएंगे। खदकने के बाद इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च और डालेंगे। भी लाजवाब स्वाद बनाने के लिए इसमें चाट मसाला या मैगी मसाला डाल देंगे जिससे कि हमारे पास्ता का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। पास्ता बनाने की मस्त मस्त ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें हम उबले हुए पास्ता डालेंगे। पास्ता और ग्रेवी को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि पास्ता में ग्रेवी घुल मिल जाए, लाजवाब स्वाद के होंगे। पास्ता अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वेज पास्ता, मलाई पास्ता, पर मैंने तो मलाई वाला पास्ता बनाया है। आप भी बना के देखिएगा दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा गजब का स्वाद है। गर्मा गर्म पास्ता को हम प्लेट में सर्व करेंगे और इसको मज़े ले लेके खाएंगे। पास्ता को धनिया या पुदीना की कलियों से हम अच्छे से सजा लेंगे। तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।